Thank you, Excellency. And now, Prime Minister Narendra Modi will deliver his statement. Your Excellency, my friend President Soli, ladies and gentlemen, मुझे खुशी है कि मेरे दूसरे कार्यकाल के पहले विदेश दौरे पर आपके सुंदर देश मालदीव में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह और भी खुशी की बात है कि आप जैसे करीबी दोस्त से एक बार फिर मिलने का मौका भी मुझे मिला। इस अवसर के लिए और आपकी शानदार मेहमान नवाजी के लिए अपनी टीम और अपनी ओर से मैं आपको और मालदीव सरकार को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। हमारे देशों ने थोड़े दिनों पहले ही ईद का त्यौहार हर्ष और उल्लास से मनाया है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि इस पर्व का प्रकाश हमारे नागरिकों के जीवन को हमेशा आलोकित करता रहे। एक्सलेंसी, आज मुझे मालदीव के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करके आपने मुझे ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष को एक नया गौरव दिया है। निशान इज्जुद्दीन का सम्मान मेरे लिए हर्ष और गर्व का विषय है। यह मेरा ही नहीं बल्कि दोनों देशों के बीच मित्रता और घनिष्ठ संबंधों का सम्मान है। मैं इसे बड़ी विनम्रता और आभार के साथ सभी भारतीयों की ओर से स्वीकार करता हूं। हमारे दोनों देशों को हिंद महासागर की लहरों ने हजारों साल से घनिष्ठ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों में बांधा है। यह अटूट मित्रता मुश्किल समय में भी हमारी मार्गदर्शक बनी है। सन 1988 में बाहरी हमला हो या सुनामी जैसी कुदरती आपदा या फिर हाल में पीने के पानी की कमी, भारत हमेशा मालदीव के साथ खड़ा रहा है और मदद के लिए सबसे पहले आगे आया है। फ्रेंड्स, भारत में संसदीय चुनाव और मालदीव में राष्ट्रपति और मजलिस के चुनावों के जनादेश से स्पष्ट है कि हमारे दोनों देशों के लोग स्थिरता और विकास चाहते हैं। ऐसे में पीपल सेंट्रिक और समावेशी विकास तथा सुशासन की हमारी जिम्मेदारी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। मैंने अभी राष्ट्रपति सोली के साथ बहुत विस्तृत और उपयोगी विचार विमर्श किया। हमने आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ साथ हमारी द्विपक्षीय सहयोग की विस्तार से समीक्षा की है। हमारी साझेदारी की भावी दिशा पर हमारे बीच पूर्ण सहमति है। राष्ट्रपति सोली, आपके पद ग्रहण करने के बाद से द्विपक्षीय सहयोग की गति और दिशा में मौलिक बदलाव आया है। दिसंबर 2018 की आपकी भारत की यात्रा ने दौरान लिए गए निर्णयों को ठोस और समयबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति सोली की भारत यात्रा के दौरान घोषित $1.4 बिलियन की वित्तीय पैकेज से मालदीव की तत्कालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति तो हुई है, साथ ही सोशल इंपैक्ट के कई नए प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं और $800 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत
विकास कार्यों के नए रास्ते भी खुले हैं। भारत और मालदीव के बीच विकास साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमने मालदीव के आम नागरिकों को लाभ पहुंचाने वाली परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया है। आज हमारा द्विपक्षीय सहयोग मालदीव में सामान्य जनजीवन के हर पहलू को छू रहा है। विभिन्न द्वीपों पर पानी और सफाई की व्यवस्था, छोटे और लघु उद्योगों के लिए पर्याप्त वित्त व्यवस्था, बंदरगाहों का विकास, कॉन्फ्रेंस और कम्युनिटी सेंटर्स का निर्माण, क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण, आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं, एम्बुलेंस सेवा, तटीय सुरक्षा सुनिश्चित करना, आउटडोर फिटनेस उपकरण की व्यवस्था, ड्रग डिटॉक्स सेंटर, स्टूडेंट फेरी, कृषि और मत्स्य पालन, नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यटन, ऐसे अनेक भारतीय सहयोग के प्रोजेक्ट से मालदीव के लोगों को सीधा फायदा पहुंचता है। हम अडू में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और ऐतिहासिक फ्राइडे मॉस्क के कंस्ट्रक्शन पर सहयोग के लिए भी सहमत हुए हैं। दोनों देशों के नागरिकों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए हम भारत में कोची और मालदीव में कुल्तुफुशी और माले के बीच नौका सेवा शुरू करने पर भी सहमत हुए हैं। मालदीव में रुपे कार्ड जारी करने से भारतीय टूरिस्ट की संख्या में और वृद्धि होगी। इस बारे में हम शीघ्र कार्यवाही करेंगे। रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा हुई है। आज हमने संयुक्त रूप से मालदीव डिफेंस फोर्सेज के कंपोजिट ट्रेनिंग सेंटर और तटीय निगरानी की रडार प्रणाली का उद्घाटन किया है। ये मालदीव की समुद्री सुरक्षा को और बढ़ाएगा। भारत मालदीव के साथ अपने संबंधों को सबसे अधिक महत्व देता है। हम एक दूसरे के साथ एक गहरी और मजबूत साझेदारी चाहते हैं। एक समृद्ध लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण मालदीव पूरे क्षेत्र के हित में है। मैं यह दोहराना चाहता हूं कि भारत मालदीव की हर संभव सहायता करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। मैं एक बार फिर महामहिम राष्ट्रपति और मालदीव के लोगों को गर्मजोशी से भरे आतिथ्य के लिए धन्यवाद देता हूं। भारत मालदीव दोस्ती अमर रहे। दिवे ही राज्य आ इंडिया गे राम मैथेरिखन अबद्ध। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.